क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो उनके जूते होते हैं, उनके पीछे जो है उनके जूतों के नीचे हमेशा एक कील जैसे कुछ लगे होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर बोल रहा है कि स्पाइक्स जो होते हैं इंक्रीज फ्रिक्शन, उनके कारण जो ग्राउंड के साथ उनका फ्रिक्शन है, उनकी पकड़ है, वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। गिव बेटर ग्रिप विद ग्राउंड, यानी कि उनके साथ जो उनके पकड़ने की जो ताकत है जूतों की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इट अवॉइड द स्लीपिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन वाइल प्लेइंग और रनिंग, यानी कि इससे उनके फिसलने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, संभावना जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए वो क्या होते हैं, उनके जूतों के नीचे स्पाइक्स, यानी कि इस तरीके की संरचना, कील जैसी संरचना पाई जाती है। साथ माइकल बाल हैज़ टू पुश लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश सिमिलर हैवियर बॉक्स, यानी कि इकबाल नाम का लड़का है, इकबाल नाम का लड़का, वो तो एक हल्का सा बॉक्स को धकेलना चाहता है, और एक है सीमा नाम की लड़की, वो क्या करना चाहती है, वो एक हैवियर बॉक्स को, ये हैवियर बॉक्स है, ये लाइटर बॉक्स है, इनको वो धकेलना चाहते हैं। सीमा नाम की लड़की जो है वो क्या करनी चाहती है, हैवियर बॉक्स को, और इकबाल छोटे छोटे लाइटर बॉक्स को धकेलना चाहते हैं। तो ये बोल रहा है कि हैवियर बॉक्स हु विल हैव टू अप्लाई लार्जर, किसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है, जो बड़ा है उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो आंसर बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि इनको चलते समय ताकत लगानी है, तो इनको चलते समय ताकत से लगानी है, क्योंकि ग्राउंड से जब ये टच हैं तो इनको रोकने के लिए भी कोई ताकत अपने आप लग रही है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन लग रहा है, अगर हल्की चीज़ है तो फ्रिक्शन थोड़ा सा क्या लगेगा, कम, अगर हैवियर है, भारी चीज़ है, तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि इसको चलाने के लिए भी ताकत लगेगी ज़्यादा, अगर फ्रिक्शन कम है तो इसको चलाने के लिए ताकत भी लगेगी कम, क्योंकि फ्रिक्शन होती है रोकने वाली ताकत, रोकने वाली ताकत कम है तो कम ताकत में चली जाएगी, रोकने वाली फोर्स यानी कि बल ताकत ज़्यादा है तो हमको भी उसी के लिए ज़्यादा ताकत चलाने के लिए लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स, फ्रिक्शन वाली जो फोर्स है, ये जो ताकत है रोकने वाली ताकत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि एक चीज़ ये अगर भार बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी उतना ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, रोकने वाली ताकत भी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये निशान होता है, सिंबल होता है टू मास। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ अगर बढ़ जाए तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर एक चीज़ कम हो जाए तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी, कम, यानी कि भार ज़्यादा तो फ्रिक्शन वाली ताकत भी ज़्यादा, भार कम तो फ्रिक्शन वाली फोर्स यानी कि ताकत भी कम हो जाएगी। तो आगे बोल रहा है कि हैवियर बॉक्स विल पुट मोर फोर्स ऑन द फ्लोर, क्योंकि अगर ये भारी है तो ये फर्श के ऊपर ज़्यादा ताकत लगाएगा, फर्श के ऊपर ज़्यादा ताकत लगाएगा तो इसको रोकने वाली ताकत भी क्या लगेगी, उतनी ही ज़्यादा लगेगी, कंपेयर टू लाइटर बॉक्स, किसकी तुलना में, हल्के की तुलना में। देयर फोर इसलिए विल एक्सपीरियंस मोर अपोजिट फोर्स, इसीलिए ये ज़्यादा ताकत महसूस करेगा इसकी बजाय, कौन सी ताकत, फ्रिक्शन वाली ताकत, रोकने वाली ताकत, इसको रोके रखने वाली ताकत। सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स, यानी कि सीमा को ताकत लगानी पड़ेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा। एक एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन स्टेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग होती है एक के ऊपर फिसलने वाली, और स्टेटिक होती है जब कोई चीज़ चली नहीं है, सिर्फ चलने के लिए हम क्या लगा रहे हैं ताकत, जब तक चलती नहीं तब तक स्टेटिक है, चलना शुरू हो गई यानी कि फिसलना शुरू हो गई तब क्या हो जाएगा, वो स्लाइडिंग बन जाएगा। तो बोलता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा क्या होता है, कम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो फोर्स की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होती है, किसके बजाय, स्टेटिक की बजाय, स्टेटिक मतलब रुके हुए की बजाय, रुकी हुई कोई चीज़ है उस पर एक तो हम फोर्स लगाएं और उससे फ्रिक्शन बनाएं, और एक स्लाइडिंग फिसल रही है कोई चीज़, उसकी जो फोर्स है अपने आप जो लग रही है किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। तो स्टेटिक की ज़्यादा होती है फोर्स फ्रिक्शन वाली रोकने वाली, स्लाइडिंग की कम होती है फोर्स फ्रिक्शन वाली घर्षण वाली रोकने वाली, थोड़ी सी कम, ऐसा क्यों होता है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, दो ऑब्जेक्ट है, मान लिया एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है,
देखने में तो ये एक दूसरे के स्मूथ लगते हैं, बिल्कुल जैसे कि कोई डस्टर हो गया, कोई पत्थर हो गया, लेकिन अगर इनको हम बड़ा करके देखें जैसे पहले बताया था, तो इनमें बिल्कुल इरेगुलरिटी होती है, इस तरीके से इनकी सरफेस यानी कि सतह होती है, दूसरे के भी इसी तरह होती है सरफेस यानी कि सतह, उबड़ खाबड़ होती है बिल्कुल। तो जब ये रेस्ट में है तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग है, एक एक मजबूती से एक दूसरे को क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं, एक दूसरे में लॉक हो रखे हैं इनकी सतह। इसलिए इनको शुरू में ताकत लगाएंगे इनको लॉक को तोड़ने के लिए, तो वो क्या लगेगी, थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, हायर देन ऑब्जेक्ट आर मूविंग। अगर इनको रुके हुए को चलाना है तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन एक बार जब चल पड़े तो इनकी इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब तो ये बिल्कुल आराम से कम ताकत से भी क्या होने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर मूविंग, जब वो चल रहे हो, देर इज लेस इंटरेक्शन बिटवीन सरफेस, तब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो इंटरलॉकिंग है, वो बहुत ही क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि चलने लग जाए तो इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी, अगर रुके हुए हैं तो एक दूसरे में पूरे फंसे होंगे ये, तो ताकत भी इनको रोकने के लिए ज़्यादा लगेगी, और इनको चलाने के लिए ताकत भी क्या लगेगी, ज़्यादा, यानी कि रुकी हुई चीज़ को चलाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी ज़्यादा, अगर स्लाइडिंग फिसल रही हो, चलती हुई चीज़ को चलाने में ताकत लगेगी थोड़ी सी कम, यानी कि फ्रिक्शन भी लगेगा थोड़ा सा कम, यानी कि कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम, स्टेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस कम देन स्टेटिक फ्रिक्शन यानी कि रुका हुआ, क्यों, क्योंकि स्टेटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग ज़्यादा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग कम। नाइन्थ की एग्जाम्पल, फ्रिक्शन एज फो एंड फ्रेंड, यानी कि एक बार ऐसी बातें बतानी है कुछ जिससे लगे कि फ्रिक्शन हमारा फ़ायदा करे, और कुछ ऐसी बातें जो हमारा फो यानी कि दुश्मन यानी कि हमारे काम का नहीं है, ऐसी भी बातें बतानी है। फर्स्ट उसने बताया एज फ्रेंड, यानी कि हमारा मित्र कैसे है, तो ये बोल रहा है कि वी आर एबल टू वॉक बिकॉज फ्रिक्शन, जैसे कि बताया था चलना है हमको आराम से तो मजबूत पकड़ होनी चाहिए, वो तभी होएगी जब हमारा ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन क्या हो थोड़ा सा ज़्यादा, अगर हमारा गीला फर्श हो गया था जैसे कि आपने देखा उस समय फ्रिक्शन क्या हो गया था, कम, तो चलना भी क्या हो गया, मुश्किल, यानी कि फ्रिक्शन कम हो तो चलना मुश्किल हो जाता है, फ्रिक्शन हो थोड़ा ज़्यादा तो आसान है चलना, मतलब फ्रिक्शन मदद कर रहा है चलने में। एबल टू वॉक बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड फीट, यानी कि फ्रिक्शन है तो हम आराम से चल सकते हैं। वी आर एबल टू राइट, अगर हमको कुछ भी लिखना है बोर्ड पे या पेज पे, तो अगर ये खुरदरा है, फ्रिक्शन है, तब आराम से लिख सकते हैं। अगर ये पेन, अगर ये सरफेस यानी कि ये पेज बिल्कुल चिकना हो, बिल्कुल ही क्या हो, पॉलिश्ड हो, तो इससे इस पे लिखना बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल। एग्जांपल भी आप देख सकते हो, अगर तेल लगा हुआ कोई पेज है उस पे आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन है कम। फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा हो तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फ्रिक्शन कम हो तो नहीं, तो हेल्प कर रहा है क्या करने में, लिखने में। नेल्स एंड स्क्रू स्टिक टू वॉल सरफेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अगर कोई कील गाड़नी है किसके अंदर, दीवार के अंदर, अगर फ्रिक्शन है दोनों में तो मजबूत पकड़ होगी तो ये टिका रहेगा, अगर बिल्कुल ही क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल मान के चलो कोई होल हो, उस होल में आप क्या कर दो, थोड़ा तेल डाल दो और इसको भी तेल से आप अच्छी तरीके से रगड़ दो और फिर ठोकने की कोशिश करो, तो ये बार बार क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि इनमें फ्रिक्शन क्या हो चुका है, कम, यानी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ये कील अच्छे से क्या हो जाएगी, रुकी रहेगी, पकड़ अच्छी रहेगी, तो इनको भी ठोकने में फ्रिक्शन क्या करता है, थोड़ा मदद करता है। लाइटनिंग इन मैचस्टिक इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अगर आपको माचिस से तिल्ली जलानी है तो आप इसे रगड़ करते हो, क्योंकि इन दोनों में फ्रिक्शन होता है तो इसलिए गर्मी पैदा होती है और माचिस जल जाती है। अगर फ्रिक्शन ही ना हो, यानी कि चिकनी हो माचिस या ये तिल्ली, तो क्या नहीं हो सकती, माचिस कभी भी नहीं जल सकती, क्योंकि उस समय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हेल्प कर रही है फ्रिक्शन माचिस को भी जलाने में। एज एक्ट फो यानी कि दुश्मन कैसे है, नुकसान क्या है, वियर एंड टीयर सोल्स और अवर शूज इज ड्यू टू फ्रिक्शन, हमारे जूते हैं वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, उनमें टूट फूट हो जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, पहनने लायक नहीं रहते, क्यों, क्योंकि रगड़ लगती है उनकी फर्श के साथ या ग्राउंड के साथ, तो जल्दी सी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। व्हेन टायर डिफ्लेक्ट्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव व्हीकल टू ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, यानी कि क्या हो गया कि जब
कोई टायर क्या हो रहा हो, फिसल रहा हो, कोई टायर है फिसल रहा है, अगर फिसल रहा है, गोल नहीं घूम रहा है, फिसल रहा है, तो उसको चलने में बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय फ्रिक्शन जो है वो क्या लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। फ्रिक्शन ज़्यादा यानी रोकने वाली ताकत ज़्यादा, रोकने वाली ताकत ज़्यादा यानी कि टायर को भी नुकसान हो रहा है और चल भी आराम से गाड़ी नहीं सकती। आगे बोल रहा है कि मशीन गेट हीट्स अप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि बताया था कि फ्रिक्शन के कारण चीज़ें गर्म हो जाती है, गर्मी आ जाती है उनके अंदर। हमने देखा था हाथ भी अगर तो गर्म हो जाती है, तो मशीन भी अगर फ्रिक्शन है तो क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, जो कि उससे उस उनमें नुकसान हो जाता है। ड्यू टू फ्रिक्शन मशीन एंड व्हीकल कंज्यूम मोर फ्यूल, क्योंकि वो फ्रिक्शन के कारण मशीन क्या हो जाती है, गर्म भी हो जाती है और रगड़ के कारण उनमें ईंधन यानी कि फ्यूल यानी कि तेल भी क्या लगता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है। इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट, और उनके रख रखाव में, उनको ठीक रखने में भी खर्चा लगता है थोड़ा सा ज़्यादा। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स, फ्लूइड्स क्या होते हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं कि लिक्विड और गैस दोनों को मिला करके हम जो नाम दे सकते हैं वो होते हैं फ्लूइड, यानी कि इन दोनों लिक्विड और गैस में कोई भी ऑब्जेक्ट चलती हो, जैसे कि जहाज़ हो गई, एरोप्लेन हो गई, तो उनकी शेप एक पर्टिकुलर शेप होती है जो आगे से क्या होती है, नुकीली होती है, तीखी होती है। ऐसी ही शेप क्यों होती है? तो ये बोलता है कि फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग, इस फ्रिक्शन का नाम जो कि लिक्विड और गैस की वजह से लगता है उसको हम ड्रैग भी बोलते हैं और फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। टू ओवरकम, इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे निजात पाने के लिए और इसको थोड़ा कम करने के लिए, एयर फ्लूइड फ्रिक्शन को थोड़ा क्या करने के लिए, कम करने के लिए, बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट मिनिमाइज इट्स सरफेस, यानी कि इसका सरफेस, इनकी बनावट ऐसे रखी जाती है कि कम से कम एरिया क्या हो, कॉन्टैक्ट में आए कि इनके हवा के, क्योंकि आगे से नुकीला होगा तो पानी के कॉन्टैक्ट में कितना एरिया आएगा, कम। अगर आगे से फ्लैट होगा तो पानी के कॉन्टैक्ट में ही आएगा थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये बोल रहा है कि इसको निजात पाने के लिए, इसे छुटकारा पाने के लिए हमको एक स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, एक अलग तरीके की शेप की ज़रूरत पड़ती है, सम टाइम्स स्फेरिकल शेप और अदर स्ट्रीमलाइन शेप। या तो हम आगे से कैसी रखते हैं, इसको गोल रखते हैं, इस तरीके से स्फेरिकल रखते हैं, या तो स्ट्रीमलाइन यानी कि इस तरीके से आगे से नुकीली रखते हैं। इस तरीके में क्या होती है, जो कॉन्टैक्ट होता है इनके साथ, लिक्विड या गैस के साथ ऑब्जेक्ट का, वो बहुत ही क्या होता है, कम, यानी कि फ्रिक्शन भी रहेगी थोड़ी कम, रोकने वाली ताकत रहेगी कम और आगे चलने के लिए हमको ताकत लगानी पड़ेगी थोड़ी सी कम। स्ट्रीमलाइन शेप जो है यानी कि इस तरीके की शेप विद स्मूथ सरफेस, और ये कैसे रखे जाते हैं, बिल्कुल ही चिकने स्मूथ रखे जाते हैं। एरोप्लेन जेट रेन ड्रॉप हैव स्ट्रीमलाइन कर्व्ड सरफेस, इसी कारण हवाई जहाज हो गई या और तरीके के जेट यानी कि लड़ाकू विमान, रेन ड्रॉप यानी कि पानी की बूंदें भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन कर्व्ड यानी कि इस तरीके से होएंगी, या तो वो या फिर हो जाएंगी इस तरीके से, इन दोनों में से एक जैसी एक शेप जरूर पाई जाएगी। टू रिड्यूस एयर ड्रैग यानी कि एयर फ्रिक्शन, रोकने वाली ताकत को कम करने के लिए इस तरीके की शेप क्या होती है, रखी जाती है। ये था चैप्टर नंबर 12 के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन।